हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, दिस इज 3rd जून 2020। 3rd जून है और पॉलिनोमियल्स का क्लास 10th मैथ्स पॉलिनोमियल का लास्ट लेक्चर है पॉलिनोमियल का। इसके बाद पॉलिनोमियल्स खत्म है ना। कल के वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछा गया था कि इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, तो अभी तक जो कमेंट सेक्शन दिख रहा है उसमें केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है वो लीड कर रहा है। आप लोग और जो लोग देख रहे हैं आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में ही कि कौन सा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करना है। फिलहाल तो इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर लेते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में फेमस टॉपिक था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, और वही आना है बट क्यूबिक पॉलीनोमियल वाला, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। ये आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी बुक में क्लियर कट लिखा हुआ है दिस इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट आसान है, हर बुक में है एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, केजी सिन्हा। 10th के बाद आप लोग 11th में जाएंगे, वैसे भी सीखना है, ऐसे में भी सीखना है, यहां तक कि मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि आ भी सकता है एग्जामिनेशन में। तो जैसे हम लोग ने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल किया, वैसे ही एटलीस्ट फॉर्मूला जो है हम लोगों को रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल भी पढ़ना है। तो उसमें वही हिसाब किताब हम मान लेते हैं, लेट ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बी द क्यूबिक पॉलीनोमियल, इसी को मान लेते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्यूबिक पॉलीनोमियल है तो कितना जीरोस होगा, एंड लेट अल्फा बीटा गामा बी इट्स जीरोस, देयरफॉर क्या कह सकते हैं हम लोग, दिस इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ दिस इज एक्स माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, है ना। ये जीरोस है तो फैक्टर हुआ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा, जिन्होंने पहले देखा है वीडियो उन लोगों को मालूम होगा। फैक्टर होने का मतलब नहीं कि वो फैक्टर ही उस नंबर के बराबर हो गए, फैक्टर पे फलाना नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर के वो नंबर आता है, ठीक है। ये पहले भी करवाया जा चुका है तो इतना तो आइडिया आपको होना चाहिए। और एक पुराना लेक्चर है जो कि मैं मैथ्स की क्लास में हमेशा बोलते रहता हूँ, प्रूफिंग है। प्रूफिंग तो वैसे में भी परीक्षा में नहीं आने वाला, बट हर चीज परीक्षा के लिए नहीं होता, कुछ सीखने समझने के लिए भी आदमी ट्यूशन करते हैं, वीडियो देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप लोग, कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत और आगे अगर चलाते हैं इसमें तो वी कैन से इट एज दिस इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करें, यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इज एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा, है ना। फिर ये एक्स माइनस गामा के साथ और है, मल्टीप्लाई खुद से करके देखो, दिस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर गामा माइनस एक्स स्क्वायर बीटा प्लस एक्स बीटा गामा माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स नहीं प्लस एक्स अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, ये के साथ एक्स क्यूब के साथ, एक्स क्यूब का साथ ही कोई नहीं, तो ओनली एक्स क्यूब तो शायद अकेला ही आ रहा है ना, एक्स क्यूब के साथ ही कोई नहीं, एक्स क्यूब अकेला प्लस अगर एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर का साथ ही है माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, एक्स का साथ ही केवल एक्स के साथ है अल्फा बीटा
बीटा गामा, और अल्फा गामा, है ना, और अकेला के लिए है माइनस अल्फा बीटा गामा, अकेला के लिए माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, बताओ भाई, यहां पर देखो x क्यूब के बगल में k है, यहां पर x क्यूब के बगल में a है, तो a बराबर k हो गया, ये x क्यूब का कोफिशिएंट कंपेयर किया। अब x स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, यहां पर x स्क्वायर के साथ है माइनस k इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहां पर x स्क्वायर के साथ b, ठीक है, बट a तो k के बराबर, ए तो के बराबर है, देयरफॉर वी कैन से दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई के, बट के ए के बराबर, इस बार है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, ठीक है। वहां पर क्या आता था, वहां पर आता था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, यहां पर है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। अब और कोफिशिएंट एक्स का अगर मिलाते हैं, यहां पर x के बगल में c है और यहां पर x के बगल में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू k भी है, ठीक है, लेकिन k तो a के बराबर है, तो यहां से रिलेशन निकला अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर k बाई c, c a के बराबर है, दिस इज अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बाई के आ रहा है ना, सी बाई के और के के बराबर है, तो दिस इज सी बाई ए, दिस अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बाई ए, इस मतलब अलग आ रहा है, वहां पर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस नहीं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बाई ए, और अकेला अकेली वाले को मैं लिखते हैं जो सिंगल लिखा हुआ सिंगल पीस में यहाँ पर केवल डी, और यहाँ पर सिंगल पीस में माइनस अल्फा बीटा गामा इनटू के, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस के बाई डी माइनस डी बाई के, और के ए के बराबर कर चुके हैं, सो देयरफॉर वी कैन से अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस बी बाई ए, तो ये तीनों रिलेशन हम लोगों को याद कर लेना है, और ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बच्चे याद करके रखते हैं, क्योंकि पॉलीनोमियल मैंने देखा है पढ़ाते हुए भी देखा है, स्कूल टाइम में भी देखा है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एकदम याद रहता है, जैसे मैथ वैथ छोड़ दिए टेंथ के बाद तो भी पूछने पर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए सबको याद रहता है, क्यूबिक पॉलीनोमियल उतना बच्चों को याद इसलिए नहीं रहता है क्योंकि पहली बात इसका उस लेवल पे काम नहीं है, दूसरा ये जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है, दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर सी बाई ए, एंड अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए, तो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम श्योर आएगा, ये देखो आता है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा बट पढ़ना तो आपको है ही, में तो एनसीईआरटी में बहुत ही कम क्वेश्चन है क्यूबिक पॉलीनोमियल का, और साइड बुक्स में भी कम है, ठीक है ना, बस सीखना समझना है, तो देखो लिखा हुआ वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 माइनस 1 बाई 3 आर जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है, तो इसको अभी हम लोग देखते हैं किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे। हाँ भाई, तो इसमें ये जो 3 माइनस 1 और माइनस 3 है ये जीरोज है, ये तुमको निकालना भी नहीं है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि है जीरोज है, तुम बस पहले वेरीफाई करो कि ये इसका जीरोज है भी कि नहीं,
और अगर है तो जो फॉर्मूला बगल में लिखवाया गया है वो फॉर्मूला जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करके दिखाओ। तो जीरो होने का मतलब क्या है कि पी ऑफ थ्री पुट करके देखते हैं यहाँ पर। तो दिस इज 3 × 3³ − 5 × 3² − 11 × 3 − 3। तो ये हो गया 27 + 81 − 45 − 36। तो दिस इज 0। तो 3 पर 0 आ गया, तो 3 है इसका 0। उसी तरह से p ऑफ −1 पुट करके देख लो, 3 × −1³ − 5 × −1² − 11 × −1 − 3। तो कितना हो गया बस −3 − 5 + 11 − 3, ये भी 0 हो जा रहा है ना। और तरह से −1/3 पुट करके देख लो, 3 × −1/3³ − 5 × −1² − 11 × −1/3 − 3। 3 × −1/27 − 5 × +1/9 + 11/3 − 3। तो दिस इज −1/9 − 5/9। और इसके एलसीएम लेंगे तो 1 × 9 = 2। तो दिस इज −6/9 + 2/3, दिस इज −6 × 3 = 2, दिस इज 0। इसका मतलब है कि 3 − 1 − 1/3 ये सब जीरोज है, तो ये कंफर्म हो गया है ना, जीरोज है ये कंफर्म हो गया। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, इसको मिटा दे रहा हूं, जीरोज है वो कंफर्म हो गया, तो मिटा दूं, ये खुद से भी कर सकते हो, जीरोज है ये कंफर्म हो गया। इसका मतलब है 3 जीरोज में से किसी को कुछ ले लो, इसका मतलब है अल्फा बराबर 3 हो गया, बीटा बराबर −1 हो गया, गामा बराबर −1/3 हो गया, एक्स क्यूब के बगल वाला ए हो जाएगा, ए बराबर इस बार 3 हो गया, एक्स स्क्वायर के बगल वाला मतलब बी इज −5, सी इज −11 एंड डी इज −3 है ना। अब ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना, पहला रिलेशनशिप कहता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 3 − 1 − 1/3, तो 3 × 2 − 1/3, we'll take the LCM, this is 5/3 है ना। और ये किसके बराबर आना चाहिए, −b/a, माइनस बी है −5 a 3, तो ये 5/3 के बराबर हो गए। तो हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो −b/a के बराबर हो जा रहा है। तो पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर −b/a, पहला यही था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर −b/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर −b/a पहला हो गया। दूसरा करते हैं, दूसरे के लिए चाहिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तो अल्फा बीटा आराम से करेंगे, 3 × −1 + −1 × −1/3 प्लस 3 × −1/3, सो दिस इज −3 + 1/3 − 1 − 3 + 1/3, और ये 3 की कट गई, −1, सो दिस इज −4 + 1/3, सो 18 − 12 + 1/3, सो दिस इज −11/3। इसके बराबर लाना है c by a के, तो c देख रहे हो −11/3 है, तो दिस इज −11/3। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर c/a, ये वेरीफाई हो जाता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर c/a, ठीक है। अब फिर से बता रहा हूँ, पिछले 15 मिनट के वीडियो में बहुत ज्यादा चांस नहीं आने का, आप लोग इससे पिछले 4 लेक्चर में जो जो क्वेश्चन करवाए गए हैं, एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है, RS अग्रवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा, प्रीवियस ईयर बोर्ड का जितना क्वेश्चन, उस पर ध्यान लगाइए,
क्यूबिक पॉलीनोमियल का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट क्लास कर रहे हो ऑनलाइन मीडियम पर, पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बुक में दिया हुआ है तो कॉपी में होना चाहिए, थोड़ा बहुत याद भी होना चाहिए। तीसरा रिलेशनशिप वेरीफाई करने का ट्राई करते हैं। तीसरा रिलेशनशिप हमारा कहता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा इज 3, बीटा इज -1, दिस इज -1/3, सो दिस इज लाइक +1, और इधर से -d/a -3/3, सो दिस कम्स आउट टू बी 1, मतलब अल्फा बीटा गामा किसके बराबर हो जाएगा, -d/a के बराबर। तो इस तरह से है, ऐसे करना है हम लोगों को, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल में इस तरह से रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करना है। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये भी एनसीईआरटी का ऑप्शनल में है। If the zeros of cubic polynomial px बराबर x³ - 3x² + x + 1 are 3 zeros दिया हुआ है, a-b, a और a+b, find a and b। NCERT का ऑप्शनल है, cubic polynomial का क्वेश्चन, एक बार मैं क्वेश्चन को मिला लेता हूँ। If the zeros of the polynomial x³ - 3x² + x + 1, ठीक है, तो सॉल्यूशन अभी हम लोग करते हैं। इसमें देख रहे, ये तीनों जीरोस दिया हुआ, मतलब इसमें अल्फा प्लस बीटा जो है वो ए माइनस बी है, नहीं सॉरी सॉरी, मतलब तीन अल्फा है ए माइनस बी, बीटा है ए और गामा है ए प्लस बी, ठीक है। अब एक्स क्यूब के बगल वाला ए होता है, एक्स स्क्वायर के बगल वाला बी होता है, वो रूल नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर ए बी इसका जीरोस का नाम दिया हुआ था, आप लोग बच्चे नहीं है, समझ समझ करके कर, है ना। तो हम लोग किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, किसमें काम चल जाएगा, अगर ये पहले वाले को देखते हैं, दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस वाले रूल को अगर हम लोग अभी यूटिलाइज करके देखते हैं कि कुछ काम बनता है कि नहीं, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, तो बी कौन होता था भैया, एक्स स्क्वायर के बगल वाला बी होता था, नहीं, तो दिस इज माइनस b, खुद है -3 और a है इसका 1, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा है a माइनस बी, बीटा है a, गामा है a प्लस बी, दिस इज 3, सो दिस -b प्लस बी गेट्स कैंसिल, दिस इज 3a बराबर 3, देयरफॉर a की वैल्यू जो है वो 1 आ गई, तो a तो 1 आ गया। अभी b निकालना है, उसके लिए क्या करें, ठीक है, अब ये वाला इस्तेमाल करके देखते हैं, अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a, तो अल्फा है भैया मेरा a माइनस बी, बीटा है a, गामा है a प्लस बी, इसे माइनस d है 1, है ना, d साइड वाला, a x क्यूब के बगल वाला 1, ठीक है, ये -d/a ऐसा करके लिख करके कंफ्यूज मत कर जाना, है ना, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या था, माइनस बी, दिस इज -1/1, दिस इज -1, है ना। अब ये a माइनस बी, a प्लस बी इज a² - b² इंटू a की वैल्यू 1 निकाले हैं, दिस इज -1, अब ये a की वैल्यू 1 है, मतलब 1 - b² बराबर -1, ये उधर चले गया, तो b² बराबर 2 हो जा रहा है, और b बराबर +/√2 हो जा रहा है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू +/√2, इसमें a b जो है, दो लोग समझदार हैं समझ लो, इसमें a b कोफिशिएंट नहीं है, a b से नाम जीरोस का दिया है, तो थोड़ा ठीक से अपना समझदारी से इसको बनाओ, आंसर चेक कर लेते हैं, a1 और b बराबर +/√2, इसको लिख लो, तो नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल। जैसे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हम लोग पढ़े थे, क्वाड्रेटिक में क्या हो जाता था, x² - α + β x + α (β) हो जाता था, दूसरा क्यूबिक पॉलीनोमियल में
अगर आपको पहले से जीरोज ही मालूम हो और पॉलिनोमियल फ्रेम करना हो तो पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। वही लेक्चर है क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला, कॉपी में रहना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके रखो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके रखो, बट पूरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लगाना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो क्वेश्चन है बुक में वो मैं बता दे रहा हूँ, अदरवाइज आपको पूरा जोर जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देना है। जैसे इसमें क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं एक ही दिया है, वो एक एक ही करके दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द सम ऑफ इट जीरोस सम ऑफ इट जीरो दिया हुआ है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड the product of its zeros two minus seven minus 14 respectively. तो क्या क्या है बच्चों सॉल्यूशन में? सम ऑफ इट जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रिस्पेक्टिवली है, मतलब ये टू है। सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, दोनों को लेकर के जोड़ मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा रिस्पेक्टिवली है, मतलब ये माइनस सेवन हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस मतलब अल्फा बीटा गामा दिस इज माइनस 14, ठीक है, ये सब गिवन है। अब पॉलिनोमियल बनाना है तो यहां पर आपके पास फॉर्मूला है, px is equal to this is x cube minus alpha plus beta plus gamma, ये 2 दिया हुआ है, this is 2 x square, फिर plus this is minus 7 into x minus alpha beta gamma is minus 14, so this is x cube minus 2 x square minus 7 x plus 14, so this is x cube minus 2 x square minus 7 x plus 14. This is x cube minus 2x square minus 7x plus 14. ठीक है? तो यही सब है हिसाब किताब। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आज का जो क्लास किया उसमें प्रूफिंग बताया गया, फॉर्मूला बताया गया, ट्राई करो याद करने का, बट पूरा फोकस जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर ही रखना। पॉलिनोमियल चैप्टर यहाँ पर मेरे तरफ से खत्म, रियल नंबर्स खत्म हो गया, पॉलिनोमियल्स खत्म हो गया। अगर आपके पास भैया दीदी का कोई प्रीवियस मतलब क्या बोलते हो सवाल वगैरह का या किसी का भी ऑनलाइन टुगेदर विद का भी अगर बोर्ड का प्रीवियस है, बोर्ड का पेपर है, तो बुक का पहले बना लो, ट्यूशन का बना लो, फिर चैप्टर वाइज चैप्टर रियल नंबर का बना करके देख लो, पॉलिनोमियल का बना करके देख लो, करेंट इलेक्ट्रिसिटी का बना करके देख लो। अब कल के डेट में हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, आज का दिन भी मौका है कमेंट सेक्शन पे वीडियो के, चाहे इसका लेक्चर 4 था चाहे 5 था, कमेंट सेक्शन में भर दो कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जैसा होगा उसी हिसाब से करेंगे। अभी तक तो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 आगे चल रहा है, तो देखते हैं कि क्या रिस्पांस होता है। और बच्चों जो लोग फी पेमेंट कर सकते हैं वो लोग ट्राई करें कि ऑनलाइन मोड पर या फिर ऑफलाइन मोड पर फी का पेमेंट कर दें, क्योंकि 1-1.5 महीने से क्लास अब चल रहा है ना, और अभी लगता है कि ऑनलाइन मोड पर ही आप लोगों का और क्लास अभी कुछ दिन और चलेगा, तो जो लोग ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन मोड पर पेमेंट कर सकते हैं वो लोग ट्राई करेंगे कि पेमेंट कर दिया जाए, ठीक है, यहीं तक रहेगा, कल देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा। थैंक यू।